जनपद में निर्माणाधीन फोरेंसिक लैब, प्रेक्षागृह तथा बौद्ध संग्रहालय का मंडलायुक्त जयंत नारिकर ने शनिवार को स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बौद्ध संग्रहालय के सौंदर्यीकरण एवं प्रेक्षागृह के निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण कार्य कर रही फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने जिला अस्पताल के पास 33 करोड़ की लागत से राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाए जा रहे फोरेंसिक लैब का निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि निर्माण कार्य को पूर्ण कराकर सी ब्लॉक, बी ब्लॉक एवं ए ब्लॉक को क्रमशः 19 सितंबर, 19 दिसंबर एवं मार्च 2020 तक तैयार कर दें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि वहां पर जो भी कूड़ा है उसको तत्काल हटा दें। मंडलायुक्त ने कहा कि कार्य के गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, साथ ही वहां पर अग्नि से बचाव आदि की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, संयुक्त विकास आयुक्त उग्रसेन पांडे सहित संबंधित अभियंता मौजूद रहे। ऊपर जाएंगे कि यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर क्या पेंटिंग वेंटिंग कुछ एग्जीबिशन कर सकते हैं और यहाँ पर क्या है ये वीआईपी एंट्री है सर, वीआईपी रूम है सर, मेरे इधर से वीआईपी एंट्री भी है सर मेरा, ये क्या वीआईपी गेट है सर, यहाँ से उधर के सीधे हो जा सकते हैं। चार मतलब सर मेरा तीन एंट्री है, यदि इंग्लिश ट्राइ इधर चार में आए उधर से निकल जाए इससे पता चल सकता है से आए तो इसमें ऐसे इधर सिंपी ऐसे इधर से पब्लिक के लिए होती है यहाँ, तो आप ऐसा करें कि यहाँ एंट्री करें, यहाँ उतारे, यहाँ चला गए पार्क करते और यहाँ से एंट्री यहाँ से यहाँ से बाहर जाएंगे इधर से कोई दस करके वी आई पी हमारा इधर से आ जाएगा, वी आई पी का इधर से हमारे एंट्री यहाँ से करिए एग्जिट यहाँ से जी जी और ये दो गेट ये भी है वी आई पी के लिए एग्जिट के लिए इधर से निकल जाएगा सर। पब्लिक से कितनी गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी? कितना एरिया है पार्किंग का? चार सौ स्क्वायर मीटर में आप कैसे कर लेंगे? बी श्रेणी का, और अब आप कह रहे हैं ये ए श्रेणी का हो गया। उस ए श्रेणी के लिए इन्होंने पीछे की तरफ एक G+6 की बिल्डिंग एडिशनल डाल सकते हो करना चाहिए जिससे कि काम ऐसे कर उसके लिए ये बी श्रेणी का है सर, जो ए श्रेणी के अलग से टावर बनना है सर, जो है ये सेंशन होगा सर, मतलब जो है सब करना है, हम ये पूरा करना है। ये हमारी बिल्डिंग बनी हुई जो बरसा में दिखाई है, ये वाली बिल्डिंग जो हम जी से ए कर रहे हैं ये एडिशनल बिल्डिंग हमको बनानी है G+6। तो ये भी यही बनाएंगे? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर वही है ना, कॉन्ट्रैक्टर वही है ना? अभी नहीं, हम अगर इनको वेरिएशन हम करेंगे तो यही बनाएंगे, नहीं तो हम रीटेंडर में चल जाएंगे तो नया हो सकता है। आप कहिए ना कि कितना एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 26 करोड़। इसको कैसे तो आपको भी कर उसको आप बी कॉन्ट्रेक्टर की ये काम अलग से शुरू कराइए, ये इसको करने ये तो पेड हो जाएगा सर फिर। आप ये बताइए अब ये आपका मेन है, ये G+ कितना है? 4 जी जी हाँ जी,
ये जी प्लस फोर है, ये कन्वेक्शन रेट देखते हैं तो कन्वेक्शन रेट बड़ा हुआ है क्योंकि वो दो दो साल तक नहीं होता है। आपके काम का सीधा असर हमारे चारों जनपदों के हाई रेट कन्वेक्शन रेट का, इसलिए ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन है कॉन्ट्रैक्टर? क्या नाम है आपका? आलोक कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब, इसमें मुझे आपसे पर्सनली अनुरोध करना है कि इसको आपको काटना पड़ेगा 6 महीने। ओके, तो आप एबीसी पीओ का करेंगे या आप क्रमिक करेंगे, सी देंगे फिर डी देंगे? हम आपको या सी और मतलब लैब यहाँ करेंगे। अब इस साइड के जितने जनपद हैं उसको ये लैब करेगी, और इसका टेंडर आप क्यों नहीं कर रहे? नोट कर लीजिए जी, उनका देखते हैं क्या हुआ। आप कैसे पता इतना सिक्योर हो गया? नगर निगम की तरफ से आपको बाधा नहीं आएगी? जो जहाँ कंस्ट्रक्शन करना है आपको हट जाएगा। ऊपर कैसे चलेंगे? डिजाइन दिखा दीजिए ऊपर के। तो अभी तक आपको पूरा दूसरा आपको जैसे डिटेक्शन होगा तो आपका पानी स्प्रिंकलर हो जाएगा, और इसके साथ साथ स्मोक एक्सट्रैक्टर भी होना चाहिए, तो धुआं यदि भरा है तो एक्सट्रैक्ट कर ले, वो है कि नहीं देखो। वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, फैन टाइप का होता है, वो सक करके पाइप से धुआं बाहर निकालता है। साफ साफ बोल सिविल कंस्ट्रक्शन और आपका ये टीम, ये नहीं होना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन की जब चिट्ठी देखे उसके बाद आप धुलना शुरू, ये नहीं। सर हम रेडी हैं, हमको हम लोग जो है एनर्जी सेविंग जो है करते हैं वो देखें आप कितनी सेविंग से क्या कर सकते हैं। जी सर, कोशिश करेंगे। ये सर 25 जुलाई को ये मानकीकृत है क्या? इसका भी वैसे ही है सर, सेम डिजाइन। ये फ्रंट व्यू ऐसा है ना जहाँ भी फ्रंट है? ये क्या चीज़ है? ये होगा ये ऐसे करके ये तो आपका वो आ जाएगा ना, आपका एक दिन का भी नहीं हमारी हो चुकी है सर, तो कहते हैं अब वो कल जो है पाइप भी पड़ गई और टंकी बन गई, उसे जोड़ गए सर। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप जानते हैं कि जितने भी क्राइम होते हैं आज जो क्राइम की साइंस है उसके हिसाब से सब चीज़ें टेस्ट के लिए भेजी जाती हैं, और ये साइंस में बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन हुए हैं, इसलिए ये FSL का निर्माण बहुत जल्दी ख़त्म करके हम FSL को स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, ये ज़रूर है कि बीच में 2016 इसमें कुछ विलंब हुआ, फंड्स रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन अब फंड्स का कोई अभाव नहीं है, और जैसा कि आपने देखा होगा कि काम भी चल रहा है, और क्रमिक रूप से हम इसका BCA जो पार्ट है वो सितंबर 2019, दिसंबर 2019 और मार्च 2020 में इसको शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक वर्क के अलावा जो पदसर्जन इक्विपमेंट फर्नीचर की व्यवस्था करनी है वो हम भी गृह विभाग से बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वैज्ञानिक अधिकारियों के उपस्थित हैं कि वो समयगत तरीके से। आइडिया ये है कि सिविल कंस्ट्रक्शन और वर्क के साथ साथ वो काम भी हो जाएँ जिससे कि दोनों काम रेडी हों और हम पूर्ण रूपेण क्रियाशील कर सकें। प्रसन्नता की बात यह है कि इसका जो अपग्रेडेड ए लेवल है FSL का वो भी अप्रूव सैद्धांतिक अनुमोदन हो गया है, और मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसका शासनादेश लोग इनको नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है शासनादेश हो गया तो वो चेक करेंगे जिससे कि उसका भी काम जो पीछे साइड है वो भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकें और हम बहुत जल्दी पूरा अपग्रेडेड ए वर्जन हम स्टार्ट कर सकें। क्राइम में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहेगा? इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो मुझे थानों SOs ने बताया है, जब हम क्राइम रिव्यू करते हैं तो उन्होंने कभी कभी बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है, विसरा भेजा हुआ है या DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेजा हुआ है, कभी कभी बहुत विलंब हो जाता है क्योंकि अभी जैसा मुझे बताया गया बी और ए लेवल की मिला के 5 टोटल लैब हैं और पॉपुलेशन हमारी 22 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए बहुत ही कन्विक्शन रेट
को कम करने के लिए FSL का इम्पोर्टेंस है, और कन्विक्शन रेट जब तक हमारा ठीक नहीं होगा तब तक क्राइम पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये पूरा इस बिल्डिंग का सीधा लिंक जो है लॉ एंड ऑर्डर से है, क्राइम कंट्रोल से है।